साथियों, आप सभी जानते हैं कि दो दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 सिविल पुलिस कांस्टेबल के पद की घोषणा हुई, जिसके फॉर्म परसों 27 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक उसके फॉर्म भरे जाने हैं। 5 साल से जो बच्चों का वेट था, लास्ट भर्ती अक्टूबर 2018 में आई थी, जनवरी 2019 में पेपर हुआ, और जो 5 वर्ष का वेट था, बीच में 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में फिर भर्ती आई तो टेंडर नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गई। वेट करते करते लोग, मतलब कितने बच्चों के दिल टूटे, परेशान हुए। अंत में उम्मीद थी चलो भर्ती आई। 2021 में जब भर्ती की बात हुई थी तो आपको याद होगा जो टेंडर निकला था वो कितने पदों पर निकला था, यदि आपको याद हो। मुझे याद है 26,000 पदों पर निकला था कि सिविल पुलिस कांस्टेबल के 26,000 पद है। 2022 में नहीं आई, 2023 में नहीं आई, 23 के एंड में आई, ये दिखाने के लिए कि भर्ती 2023 में दी है, क्योंकि अगर ये अगले साल में आती तो फिर 2024 लग जाता। तो इन्होंने 2022-23 सारी भर्ती जोड़ के, मुझे लगता है 2024 के अध्याचन जोड़ के, और कांस्टेबल के पदों को कितना कर लिया, 60,244। लेकिन देखो अन्याय की बात, बच्चों को एज में छूट ना देकर लाखों घरों में चिराग को बुझा दिया, लाखों घरों में रोशनी को फूंक मार के बुझा दिया, और शर्म भी नहीं आई कि जरा जो अन्याय कर रहे हैं शासक, जब राजा अन्याय करता है, सरकार प्रजा पर अन्याय करती है, तो थोड़ी बहुत गैरत होती लगती है कि हमने गलत किया है, वो भी महसूस नहीं हुआ। हजारों गरीब परिवार से लाखों बच्चे आज बिना किसी गलती के, इस गलती के कि वो जब पैदा हुए थे तो उनका, जब 2018 में भर्ती आई थी वो 18 साल के नहीं थे, और जब 2023 में भर्ती आई तो वो 23 साल के हो गए, वो 22 से ऊपर हो गए। तो कहने का अर्थ क्या है, उसको लेकर पूरी मुहिम चली, ऑनलाइन मुहिम बहुत बढ़िया चल रही है, ट्विटर पे लोग लगातार यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन 2023, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, लाखों ट्वीट हो चुके, अलग अलग टैग हैशटैग को मिला ले, और छोटी मोटी जो बच्चे गलत टैग लगा देते हैं, लाखों की संख्या में ट्वीट किए। फिर हम सब भी जो टीचर कम्युनिटी थी, जो आप सबको पढ़ाते हैं, 5 साल से आपको बड़ा होते देख रहे हैं, 5 साल से किस तरीके से आपने दिल से मेहनत की है, किस तरीके से आपने इंतजार किया वो देख रहे हैं। तो जब हम लोगों को भी बहुत ज्यादा, मतलब एकदम धक्का लगा कि ऐसे नहीं होना, उनकी तो कोई गलती नहीं, उन बच्चों को किस गलती की सजा दी जा रही है। तो हम सब ने मिलकर सभी आपको सपोर्ट किया आपके इस मांग को कि भाई 3-4 जितने वर्ष हो पाए सरकार को मानवता दिखाने की जरूरत नहीं, सरकार से मानवता की उम्मीद नहीं कर रहे, कानूनी हक है हमारे, क्योंकि भर्ती तुमने नहीं दी 5 साल। ऐसा नहीं कि हमने भर्ती ली और हमसे हुआ नहीं, तुमने एग्जाम ही नहीं लिया, तुमने भर्ती नहीं निकाली। तो प्राकृतिक रूप से एज बढ़ती कुदरती है, वो तो एज तो बढ़ेगी 18 से 22, 22 से 27 भी होगी। अब तो भर्ती 10 साल नहीं निकालोगे तो क्या करोगे, ये बता दो कि जो 10 साल में ओवर एज हो गए वो नहीं भर सकते, ये कहां का न्याय है। बिना चुनाव लड़े किसी नेता को कह सकते हैं कि तू हार गया, तुझे कुछ नहीं है, तू ओवर एज हो गया। नेता को क्या कितना धक्का लगेगा कि बिना चुनाव के उसको हटा दिया जाए, बिना चुनाव के कह दिया जाए तू तो हार गया, गलत लगेगा ना। तो ऐसे गलत बच्चों को भी लग रहा है। हमने आप सबसे ये कहा कि भी देखो ट्विटर एक बहुत ही शांतिपूर्ण माध्यम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होता, ट्विटर पे अपनी मांग उठाओ। लेकिन आप लोगों में संगठन ही नहीं है, 10 जगह बटे पड़ो, एक बार नहीं कि इस बंदे की बात सुने, ये जो टीचर लोग समझा रहे थोड़ा समझे, सुने, समझदार लोगों की बात सुने थोड़ा सा। जब तुम दिखते हो ना उस संख्या में तो उसका प्रभाव उतना पड़ता है जाके। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग तैयारी में लग गए, बहुत से लोग हिम्मत हार के बैठ गए, और बहुत से लोग सोच रहे अगर मिलेगा तो मिलेगा, मुझे भी नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं होता, अगर सब कुछ इतना आसान होता तो फिर तो क्या देश में ब्रिटिश शासन ही रहता, उससे पहले राजशाही रहती। ब्रिटिश शासन गया क्योंकि कुछ युवा उठे, कुछ समझदार लोग उठे, अपने अधिकारों की मांग करी शांतिपूर्ण संवैधानिक दायरे में, बिना किसी को अपशब्द, बिना किसी को हानि नुकसान पहुंचाए। तो आप सभी भगत सिंह, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज हो या नहीं हो, आपके रगों में भी उन्हीं का खून बहता है या नहीं बहता। हम सब चंद्रशेखर आजाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी के वंशज हैं। हम लोग
अपनी बात तो कह सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। आज खूब ट्विटर ट्रेंड चलाओ, कल चलाओ खूब, जितना हमारे हाथ में वो करो। उसके बाद में कल मंगलवार 26 दिसंबर अपने सांसद विधायक के पास जाओ। आज हजारों बच्चे, कोई संजीव बालियान जी के पास गया, कोई धीरेंद्र जी के पास गया, कोई किसी विधायक के पास गया, कोई किसी, हाथ जोड़ के उनके पैरों में पड़ के कि हे आधुनिक कलयुग के राजा, हे शासक, हमारे साथ अन्याय मत करो। आप, हमने आपको अपने बड़े भाई के जैसे मानकर वोटे दिए, हमारे साथ हमारी जीवन रेखा मत खींचो। ये गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जीवन रेखा है। हमारी जीवन रेखा बिना किसी गलती के मत मिटाओ। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो तुम्हारी इस बात को नहीं सुनेंगे। तुम सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचा सकते, सरकार की पुलिस से वो 10 उसके पास फॉर्मूले, आप इन्हीं नेताओं के माध्यम से बनी बात। हर जिले का जिलाध्यक्ष होता है, हर जिले में 10 विधायक सांसद होते हैं। क्या तुम्हारे पैरों में अपने गांव से शहर से निकलकर वहां तक जाने में दिक्कत आ रही है? हजारों बच्चों को मैं देख रहा हूं जो शेयर कर रहे वीडियो, जो फोटो खींच रहे कि सर हमने जाके रिक्वेस्ट की है। तुम दुनिया भर का भी भर्ती निकल जाए, असम के गुवाहाटी में खुली भर्ती, तुम सारे आज ही ट्रेन में बैठ के भर्ती देखने चले जाओगे। लेकिन अपनी मांग देखने अपने विधायक तक नहीं जा सकते जिसको तुम्हीं ने चुना है, तो कैसे तुम एज की मांग कर रहे हो? कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा? उसने जाके, भाई है वो तुम्हारा बड़ा, हो सकती है कोई ताऊ चाचा हो, गांव देहात के तो ऐसे विधायक होते हैं आसपास के, वो तुमने चुने हैं ना, फिर 2024 में तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, तो तुम उनसे मांग कर लोगे तो क्या घिस जाएगा तुम्हारा? तुम्हें समझ में आ रही है? जाके कल ज्ञापन दो कि सर हमें छूट दिलाइए, वही मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक, नहीं तो कोई पहुंचाने वाला नहीं है। फिर ये कुछ माइके लाल है जिनके अंदर पता नहीं भगवान ने क्या शक्ति दी है, बेरोजगार है, जीवन में कुछ नहीं दिख रहा अंधेरे के सिवा बेरोजगारी, इतना पढ़ लिख के 10वीं 12वीं दुनिया भर के कॉलेज करके 5 पैसे अपने घर में सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और माँ बाप के सूने चेहरे देखकर रोज उम्मीद से दौड़ भाग मारते सुबह ठंड में, सड़ी गर्मियों में, पसीने से लखपथ कि भर्ती आएगी, कभी तो आएगी, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, उसकी सूनी आंखों में उम्मीद की उम्मीद जगा के जाते, आज अपने माँ बाप को फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी। ये किसी माई के लाल आज ओवर एज हो गए बिना गलती के, शासन ने ओवर एज कर दिया इनको, और कोई सुनने वाला नहीं है इनके अंदर कुछ जगह। ये जाके इको गार्डन बैठ के, कोई इनको बताने वाला नहीं, कोई इनका सरदार नहीं है, कोई लीडर नहीं है इनका। ये देख रहे इनके अंदर की हाय हंस से निकल रही है, उस आग से जाके ठंड में बैठे हैं जो इनके अंदर, वो बेरोजगारी की आग जल रही है ना, क्या करेंगे इसके बाद में वो जाके। तुम घर से निकलकर सांसद विधायक तक नहीं जा पाते, इनके शांतिपूर्ण संवैधानिक दायरे में चल रहे धरने को मेरा पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन हर तरीके से। बस बच्चे आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करना, कोई भी किसी भी प्रकार का, कोई भी, बस पैरों में पड़ के आपको, बस आपके आंखें नीचे होनी चाहिए, हाथ ऊपर झुके हुए। अगर वो शासक है तो तुम प्रजा ही बनो, छोड़ दो कोई बात नहीं, झुक जाओ, हाँ ठीक है भाई तुम शासक हो, ताकतवर हो, हमें तुम्हारी लाठी नहीं खानी, हमें तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी गलती बता दो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय हुआ है। तुम कहते हो कि तुम्हारी एज बढ़ी, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है हम चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें अपनी शांतिपूर्ण मांग मांगने दो, हम किसी को नुकसान कुछ नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि तुम्हारे इस एकता को, धरने प्रदर्शन को तोड़ने की 100 बार कोशिश की जाएगी, असामाजिक तत्व मिल जाते हैं। और मैं एक बार ऐसा ही, मैं इस चीज को झेल चुका हूं बहुत बुरी तरीके से, आज भी उस अपमान को मैं कभी कभी याद आके बहुत दिल को दर्द होता है, लेकिन मेरा फिर भी तुम्हारे इसको पूरा समर्थन है, कोशिश करूंगा अगर मैं पहुंच पाया। पर बच्चा तुम्हें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तुम यहां नहीं पहुंच पा रहे, ये तो कितने क्या इनके अंदर जज्बा रहा होगा जो किसी ने कुछ नहीं कहा और पहुंच गए, नहीं तो तुम सांसद विधायक तक तो जा सकते हो हाथ जोड़ के, उससे तो मांग कर सकते हो, ट्विटर पे वो फोटो वो वीडियो तो डाल सकते हो, इस समय भी नहीं है, इंस्टा पे हजारों वीडियो डालते हो, यह आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कम से कम 8 से 10 लाख ओवर एज हुए बच्चे, कितने 8 से 10 लाख गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के बच्चे, जिनमें से किसी के
पिताजी की पूरी साल की इनकम 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, और हजारों ऐसे होंगे जो 5-6 हजार रुपए महीने में कार्य करते होंगे, बस 1-2 टाइम की जैसे रोटी खानी खाए। इसी तरीके से तो उन गरीब परिवारों को मूसल के नीचे दबा दिया गया, शासन के मूसल के नीचे। एक बार तो सोच लेते उन घरों में क्या बीतेगी। तो मैं तो बस तुम्हें बताने आया हूं कि ये भी कुछ माई के लाल है, और तुम अपने घरों से निकलकर सांसद विधायक तक ट्वीट नहीं कर पा रहे। ये बात ठंड में सोचो कितनी ठंड है, और नीचे फर्श है। मैं गर्मी में मई में बैठा हूं, बहुत तपता है, तो ठंड उतनी ही ठंड में उतना ही ठंडा रहता होगा। ये यहां ऊपर कुछ नहीं है, पेड़ों के अलावा ऊपर कुछ नहीं है, कुछ छतों की ओस नहीं लगेगी। बीमार ये भी तुम्हारी तरह हो सकते हैं, जुकाम खांसी, लेकिन ये बैठे अपने हक के लिए।